हेलो दोस्तों दोस्तों मैं हूँ योगेश विश्वकर्मा। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं थिक वाला वाइट फिनाइल। थिक जो होता है मिल्की वाइट थिक होता है, वैसा मैं बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों वाइट फिनाइल की तो ऑलरेडी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, पर उसके बाद लोगों की बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि जो गाढ़ा वाला फिनाइल होता है वाइट वाला उसका फॉर्मूला दो। तो उन सभी के डिमांड को देखते हुए मैं आज गाढ़े वाला जो फिनाइल होता है थिक फिनाइल उसका मैं फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों YouTube में तो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, बट वो वीडियो जो वीडियो में फॉर्मूला दिया हुआ वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो सभी लोग इसलिए मेरे से डिमांड करते हैं कि योगेश आप वीडियो डालो और उसमें आप प्रॉपरली एकदम रियल जेन्युइन फार्मूला दो। तो आज मैं आपको एकदम रियल और 101% ट्रस्टेड फार्मूला आपको देने जा रहा हूँ थिक वाइट फिनाइल का, जिससे आप गाढ़ा वाला जो फिनाइल होता है मिल्की वाइट आप वाइट या और जो भी कलर वाला बना सकते हैं गाढ़ा वाला फिनाइल। तो मैं आज आपको मिल्की वाइट गाढ़ा फिनाइल का फॉर्मूला देने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थिक वाली वाइट फिनाइल बनाने के लिए हमें जो जो मटेरियल की ज़रूरत है, पहला है पाइन ऑयल। दोस्तों पाइन ऑयल है और ये है Alfox 200। ठीक है, और ये मैं लेमन परफ्यूम डाल रहा हूँ, आपको जो सही लगे आप डालना। मैं लेमन परफ्यूम डाल रहा हूँ क्योंकि हमको खुशबूदार फिनाइल चाहिए है, गाढ़ा होने के साथ साथ खुशबूदार भी होना चाहिए। तो ये लेमन परफ्यूम है और दोस्तों ये पानी है और ये आर्टिफिशियल थिकनर है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एल्फॉक्स लेंगे, क्वांटिटी नीचे आपको शो हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत छोटा सा बैच बना रहा हूँ, आप बड़ा बैच बना लीजिएगा। आपको नीचे 1 kg का मैं फॉर्मूला दे के रखा हूँ, को नीचे शो हो रहा होगा। अब हमने पाइन ऑयल डाला, पहले हमने एल्फॉक्स डाला है 200, फिर हमने पाइन ऑयल डाला है, फिर हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। एल्फॉक्स और पाइन ऑयल हम इन दोनों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मिल जाने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। दोस्तों याद रखिए, ये बहुत ही जेन्युइन रियल और एकदम यूनिक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई बता नहीं सकता ऐसा फार्मूला, क्योंकि किसी के पास ऐसा फार्मूला नहीं है। अधिकतर लोग TRO पाइन ऑयल और एल्फॉक्स को मिक्स करके कार्बोपोल जो पाउडर होता है उससे बना देते हैं, जबकि दोस्तों आपको साथ पता नहीं होगा कि कार्बोपोल पाउडर जो है वर्क नहीं करता है। वो एक्चुअली वो जो इस तरीके से थिक हो जाता है कि वो बिल्कुल बेकार टाइप का हो जाता है। आप कभी अगर कार्बोपोल आपने यूज़ किया होगा या आप करेंगे तो आपको समझ में जाएगा। इसलिए दोस्तों वो जो फार्मूला बहुत सारे यूट्यूब में दिए हुए हैं आप उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, आपका माल पूरा ख़राब हो जाना, कुछ नहीं बनना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें अल्फॉक्स 200 डाला, पाइन ऑयल डाला, दोनों को बाद मिलाते हैं, उसके बाद फिर हमने इसमें पानी डाला। पानी के बाद हम आर्टिफिशियल इसमें थिकनर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल थिकनर होता है ये करीब 35-40 रुपये kg में आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसको बहुत देर तक चलाइए, क्योंकि अगर आपने इसको 1 मिनट भी चला के छोड़ दिया तो ये थिक नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने करीब इसको 10 मिनट से ऊपर इसको घुमा रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ। आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छा थिक चाहिए, तो इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक घुमाएं। ये देखिए दोस्तों, जो मिल्की वाइट जो फिनाइल होती है ना दोस्तों, आपने देखी होगी, ये अब हमारी मिल्की वाइट फिनाइल बन के रेडी है। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही लोग इसको मांगते हैं, और इसका एक्चुअली ये बहुत ही सीक्रेट फार्मूला है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको बहुत देर तक, कम से कम 10 से 12 मिनट, 15 मिनट तक चलाइए। अभी भी देखिए मैं इसको घुमा ही रहा हूँ,
ताकि अच्छे तक हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आप तो बस समझ गए, बस को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे लगता है मैंने थिकनर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो, थोड़ा कम चाहिए। ये तो मेरे एकदम, ये जो दही होती कर्ड वैसी बन गई है, आपको थोड़ा कम चाहिए तो आप थोड़ा कम डालें। ठीक है, तो अब हमारी ये बन के रेडी हो गई। अब हम इसमें क्या है, लेमन परफ्यूम डाल रहा हूँ मैं। एक्चुअली परफ्यूम आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी लेमन परफ्यूम है हाल में, तो मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, इसको बाद लेमन परफ्यूम थोड़ा सा ही डालना है। देखिए दोस्तों, ऐसा फॉर्मूला दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब में या ऑल इंडिया में शायद ही कि कोई आपको दे पाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कार्बोबोल पाउडर डालो, पर दोस्तों वो कार्बोबोल पाउडर टोटल फेल है। कार्बोबोल पाउडर में क्या होता है, जो कार्बोबोल के जो कण होते हैं ना, वो जम जाते हैं, तो वो बहुत ही फटे फटे एकदम सेपरेशन टाइप का अलग से दिखता है। आप कभी मेरी बात पर विश्वास ना, तो आप कभी कार्बोपोल से बना के देखिएगा। कार्बोपोल से बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है फिनाइल। अभी हाल में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्यूवर हैं यूट्यूब पर, वो मुझे बोलते हैं कार्बोपोल से डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है आपको, खाली आर्टिफिशियल जो थिकनर है वो यूज़ करना, जैसे कि मैंने यूज़ किया है। और ये थिकनर के बारे में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, वैसे तो ये मिल जाएगा आसानी से, मैं दिल्ली से लेकर आता हूँ इसको, दिल्ली में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, छोटे एरिया में भले ही ना मिले। देखिए दोस्तों, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ, एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सही से, वैसे तो ये हो गया है। जब आप इसको बनाएंगे 12 से 15 मिनट तक आराम से इसको घुमा कर मिलाएंगे ना, तो ये बहुत ही वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का बन चुका है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आपकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत करके ऐसे फॉर्मूला लाता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर कम अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे फॉर्मूला मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।